बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोजाना बाखबर रह सके। पाकिस्तान वालों तैयार, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। लोजी कराची तक कश्मीर बारिशें बरसने को तैयार, लेकिन कब से? आज की वीडियो में इसके बारे में आपके सारे रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो आइंदा 5 रोज़ तक मुल्क में मौसम कैसा रहेगा और कहां कहां पर बादल दाखिल होने को तैयार है, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान आइंदा 5 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम साफ, खुश्क और कतरे सर्द रहने का इम्कान है। रात के औकात में बेशतर बाली इलाकों में मौसम इंतहाई शदीद सर्द रहेगा, जबकि वस्ती मैदानी और जनूबी इलाकों में मौसम कतरे सर्द रहने की तवक्को है। इन दिनों के दौरान मुल्क में खास करके जनूबी इलाकों में धूप की शिद्दत तमाम तेज़ होगी, जिसके बाद दर्ज हरारत में इजाफा होने की वजह से थोड़ी थोड़ी गर्मी भी महसूस की जाएगी और दर्ज हरारत 30 सेंटीग्रेड तक तजावीज़ कर सकती हैं। बात करते हैं तो बादलों के हवाले से, तो इस दौरान कल से खुश्क बादल बलूचिस्तान के रास्तों से होता हुआ मुल्क में दाखिल होने को तैयार है। इन बादलों का ज़्यादा फोकस सिंध और बलूचिस्तान पर होगा, जिससे मौसम अक्सर अबरालूद रहने के साथ कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज होगा। इन बादलों से वहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं, अगर इम्कान बन गए तो सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और के में भी ये बादल दाखिल होंगी। इन बादलों का ज़्यादा फोकस वहाँ पर जनूबी इलाकों में होगा, वहाँ पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। याद रहे कि ये बादलों का सिलसिला कल से मुल्क में आना शुरू होगी, जो कि हफ्ता तक इनका सिलसिला जारी रहेगा। इन बादलों से कोई खातिरखा बारिश का इम्कान नहीं है। बात करते हैं तो बारिशों के हवाले से, तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। कब से पाकिस्तान में बारिशें होने वाली हैं, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान इंशाल्लाह मगरबी ताकतवर हवाएं अब खलीजे फारस से उठकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा हो रही हैं, जिन हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में 15 फरवरी के बाद आने का इम्कान है। इस दौरान इंशाल्लाह फिर ये हवाएं मुल्क में दाखिल होकर कराची तक कश्मीर यानी मुल्क गिर बारिशों का बायस बनेंगे, जिसके बाद इस मरतबा कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में भी ये बारिशें देखने को मिल सकती हैं। याद रहे कि पिछले 2 माह से यानी तवील अरसे तक सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का कोई नाम निशान भी नहीं था, लेकिन इस बार इंशाल्लाह वहां पर भी अच्छी बारिशें होंगी। इसके अलावा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये बारिशें शिद्दत के साथ मुमकिन है। इस मरतबा जनूबी KP और जनूबी पंजाब में भी ये बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो वैसे ही बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन मज़ीद इन बारिशों में ज़्यादा शिद्दत आने को तैयार है, जिससे वहाँ पर भी तूफ़ानी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। नाज़रीन याद रहे कि ये बारिशें 15 फरवरी के बाद मुल्क में तशरीफ़ ले आएंगी। इंशाल्लाह इसके हवाले से मज़ीद अपडेट्स हम आपको लम्हा बाय लम्हा पेश करते रहेंगे, क्योंकि ये अभी तक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट मीन थंडरस्टॉर्म बारिशों में मुतालिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मीट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।